अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर निसा। मेरे चैनल में आपका वेलकम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चटकारा तरीदार। तो ये बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg चिकन लिया है। इसे अच्छी तरह से क्लीन करके वॉश कर लिया और इसका सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। उसके बाद फ्रेश कुटा हुआ काले मिर्च का पाउडर, ये दरदरा कुटा हुआ है, आधा चम्मच। अदरक अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर कर। उसके साथ ही ये फेंटी हुई दही है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये तकरीबन वजन में 150 ग्राम है। इसी के साथ साथ ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4, ये तीखी वाली नहीं है, लेकिन इस ग्रेवी में इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम सारे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सारी चीज़ों को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ हमें मसालों का एक पेस्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ इस तरह से एक बर्तन में 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसी में मैं 1 चम्मच भर कर रेगुलर रेड चिली पाउडर वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद तकरीबन 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इससे हमारी चिकन का जो कलर है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब आता है। और ये तकरीबन 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट को रेडी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं मसालों का पेस्ट। इसी मसालों में हमको लहसुन की कलियों को भी क्रश करके डालना है। यहाँ मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लिया है। इसे मैं इस तरह से क्रश कर लूंगी। स्किन के साथ लिया है मैंने, बस हल्के हल्के हमको इसको क्रश करना है। इससे इस ग्रेवी में बहुत ही जबरदस्त जायका आता है। ये देखिए, इस तरह से हमको इसे इन मसालों में डाल देना है और स्पून की हेल्प से इसे फिर से हमको मिक्स कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ चूल्हे पे मैंने ग्रेवी बनाने के लिए इस तरह से एक कढ़ाई रख दी है। यहाँ मैंने इसमें 4 चम्मच भर कर 100 ml से थोड़ा सा कम ऑयल डाल दिया है। यहाँ मैं गैस की फ्लेम को ऑन करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमारे खड़े मसाले देख लेते हैं, 2 से 3 तेज़पत्ते, 10 से 15 काले मिर्च के दाने, थोड़ी सी जावित्री, छोटा सा जायफल का टुकड़ा, 2 काली मोटी इलायची, 5 से 6 लवंग, 5 से 6 हरी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें ये खड़े मसाले ऐड करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे खड़े मसालों को हम ऑयल में 10 से 15 सेकेंड अच्छी तरह से तड़कने देंगे, ताकि ऑयल में इन सारे गरम मसालों की खुशबू बहुत अच्छी तरह से आ जाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी के साथ साथ हम इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज, इसे इस तरह से मैंने कट कर लिया है, ये ऐड कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो अब स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को लो करने जा रही हूँ। और लो फ्लेम करने के बाद हमने ये जो मसाला मिक्स करके रखा है इसे डाल देंगे। इसी के साथ साथ इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और फिर हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अभी भी फ्लेम को लो ही रखा है,
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें तकरीबन एक ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। इस तरह से करने से जो तरी का जो कलर होता है बहुत ही लाजवाब आता है। ऑयल सेपरेट होने तक हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। ये एक लखनऊ की फेमस डिश है, चिकन चटकारा तरी दाल। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इसी तरीके से। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब स्टेज पर हम इसमें जो चिकन मैरिनेट करने के लिए रखे हैं वो ऐड करेंगे। ये इस तरह से सारे चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। प्लेट में इस तरह से थाली में जो बचा हुआ था दही मसाला वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। हम हमारे मसालों को ज़ाया नहीं करेंगे। उसके बाद फ्लेम को हाई करके हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर ही हम पकाएंगे। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, चिकन अपना पानी रिलीज करेगा। हमने दही भी इसमें ऐड किया है, ये ग्रेवी इसी में पकेगी। इसी के साथ साथ हम इसमें दो बड़े टमाटर इस तरह से कट करके ये भी डाल देंगे और फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट बाद मैं ढक्कन हटाने जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी में कितना अच्छा बेहतरीन कलर आया है। लेकिन अभी हमारी ग्रेवी मुकम्मल नहीं हुई है। यहाँ मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर रही हूँ क्योंकि छींटे मुझ पर उड़ रहे हैं, इसलिए हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना लिक्विडी है। ये दही का पानी है इसमें और चिकन ने भी अपना पानी रिलीज किया है, तो ये चिकन इसी में पकेगा। यहाँ मैं हाई फ्लेम पर ही इसे पकने के लिए रख रही हूँ और मैं फिर से इस पर आधा इस तरह से लीड लगा रही हूँ, मैं पूरा कवर नहीं कर रही। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारे चिकन में तरी आई है। इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है, मेरा घर इस ग्रेवी की खुशबू से महक उठा है। यहाँ मैं गैस की फ्लेम को लो करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ ये हमारा होममेड खुशबू वाला मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच हरी मोटी मिर्च, थोड़े से धनिए के पत्ते। बस हमको इसे 1 से 2 मिनट और पकाना है। यहाँ गोश्त की भुनाई के साथ साथ हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। गैस की फ्लेम ऑफ करने के पहले आप इसमें नमक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। यहाँ मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करने जा रही हूँ। ग्रेवी सेट होने के बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी ग्रेवी डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत कितना बेहतरीन कलर आया है इस लखनऊ स्पेशल चिकन चटकारा तरीदार का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा चिकन चटकारा तरीदार को। इस ग्रेवी में जो हमने लहसुन क्रश करके डाला है इसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है। इसे आप किसी भी मौके पर बनाइए, चाहे त्यौहार हो चाहे आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हों। इंशाल्लाह सभी को मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं, पाव पराठा नान
जिस भी चीज से आप खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं। इसी तरह की इजी और डिलीशियस रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।